जी हाँ, भारतीय टीम लगातार संघर्ष करती हुई, बहुत बड़ा टारगेट है उनके सामने। शुरुआत अच्छी की है चौके के साथ। कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक चीज से खुश होगी, जिस तरीके से शुरुआत की है ऋतुराज गायकवाड़ ने पहली बॉल पे चौका लगा के। अब चाहिए 29 बॉलों पे 111 रन, ये बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन यहाँ पे उससे बड़े तो हौसले है भारतीय सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड के। जी हाँ, एक और छक्का यहाँ पे भारतीय टीम के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। जी हाँ, लगातार चौके छक्कों की बरसात, एक बार फिर से गए हैं बहुत ही ऊंची जाती हुई बॉल, लेकिन सीधा हाथों पे और भारतीय टीम को पहला झटका लगता हुआ। जी हाँ, ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है भारतीय टीम के लिए। बहुत ही लंबा शॉट खेलने का प्रयास था और सीधा हाथ पे गई है बॉल। ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड। 3 बॉलों पे 10 रन बना के पवेलियन जाते नजर आएंगे। पहली बॉल पे चौका लगाया था, दूसरी बॉल पे छक्का और तीसरी बॉल पे पवेलियन। और ये लीजिए, बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं श्रेयस अय्यर, कमाल के ये बल्लेबाज हैं और आज इनको अपना कमाल दिखाना होगा। और अब साई सुदर्शन तैयार हैं, नेक्स्ट बॉल खेलेंगे। इस बार अच्छा शॉट है, ये कमाल का शॉट है, अगर फील्डर होता भी तो दर्शक बन जाता। और 6 रन बटोरेंगे पहली ही बॉल पे। और जी हां, भारतीय टीम को लगभग हर बॉल पे चौके छक्कों की आवश्यकता है, तो भारतीय टीम के प्लेयरों का यही है कि हर बॉल पे चौके या छक्का लगाया जाए और लगातार लगाते हुए। हालांकि एक विकेट गवाया है कप्तान ने, फील्ड में किया है परिवर्तन, लेकिन साई सुदर्शन ने छक्के के साथ खोला है अपना खाता। और अब भारतीय टीम को चाहिए 26 पे 99 रन। अच्छी शुरुआत किया भारतीय टीम में, इसमें कोई दोराहा नहीं है। ओ, इस बार अच्छी डिलीवरी, काफी कमाल की डिलीवरी, चूके चकमा खाए साई सुदर्शन, कहीं ना कहीं बर्जर का ये अच्छा कमबैक है। और अब चाहिए 25 में 99 रन। भारतीय टीम लगातार प्रयास करती हुई इस मुकाबले में, तो ये शॉट कमाल का है और मिलेगा भी 6 रन। जी हाँ, इसको चौका नहीं, छक्का नहीं, इसको अट्ठा दे दीजिए। साई सुदर्शन के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट, और पहले ओवर में भारतीय टीम ने बनाए हैं 22 रन एक विकेट के नुकसान पे। चौकी ऋतुराज गायकवाड़ आउट होके गए थे, लेकिन अब चाहिए 24 में 93 रन। लगभग हर बॉल पे चौके या छक्का चाहिए और श्रेयस अय्यर सामने मौजूद हैं, अभी तक एक भी बॉल खेली नहीं है। नए नए बल्लेबाज है, किस तरीके से खेलेंगे। विलियम्स आएंगे अपना दूसरा ओवर लेके टीम का और अपनी खुद का एक, ये शॉट काफी खराब है। ओ, बाल बाल बचे यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थे श्रेयस अय्यर। बहुत देर तक ये बॉल हवा में थी, दोनों फील्डर के पास मौका था। जी हाँ, बल्ले के बिल्कुल निचले क्रम पे लगी, जिसके चलते एलिगेशन बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाए। भाग्यशाली रहे, बॉल गैप में थी, जिसके चलते एक बेहतरीन चौका प्राप्त करेंगे। 23 पे चाहिए 87 रन। धीरे धीरे यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। और इसी बीच देख लीजिए यहाँ पे पुल शॉट, 6 रन बटोरेंगे इस बार श्रेयस अय्यर। जी हाँ, ये अच्छा शॉट है श्रेयस अय्यर के बल्ले से, और लगातार 2 बॉल पे 2 चौके, 22 पे चाहिए 83। कितने भी चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि जो रिकॉर्ड रन रेट है वो लगातार कम तो हो नहीं रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे 22 पे चाहिए 82 रन, अब लीजिए 21 पे 82 रन भारतीय टीम। दूसरा ओवर चलता हुआ, मात्र 33 रन, भारतीय टीम को बड़े शॉट्स की आवश्यकता है। और हम उम्मीद करेंगे साई सुदर्शन आज अपना जलवा बिखेरें। इस बार पटकी हुई बॉल उठाकर खेला है शॉट पॉइंट लेग की दिशा पे, 4 रन बटोरेंगे साई सुदर्शन। और भारतीय टीम को कोशिश करनी होगी जितना हो सके छक्के लगाए जाए इस मुकाबले में। हालांकि 4 रन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस मुकाबले में छक्का लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट काफी ज्यादा है, 20 बॉल पे 78 रन। जी हाँ, लगभग हर बॉल पे बहुत ज्यादा रन चाहिए भारतीय टीम को। इस बार बड़े शॉट के लिए गए हैं आगे, तो बड़े हैं रन के लिए गए हैं, फील्डर मौजूद नहीं, फायदा उठाएंगे 6 रन। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी साई सुदर्शन, बेहतरीन टेम्परामेंट के साथ, और भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर, जिस तरीके से बल्लेबाजी
भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिलती हुई साई सुदर्शन अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्के हर दिशा पे चौके छक्के 19 बालों पे चाहिए 72 रन। भारतीय टीम साई सुदर्शन 5 बॉल पे 22 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और अब मौका भी है, दस्तूर भी है, बड़ा शॉट खेलना होगा। ये अच्छी बॉल थी, ये बहुत ही अच्छी बॉल थी और भाग्यशाली रहे रन आउट नहीं हुए। फील्डिंग अच्छी लाजवाब, भारतीय टीम लगातार प्रयास करती हुई इस मुकाबले को चेस करने के लिए, और यह मुकाबला बहुत ही दिलचस्प। ये लीजिए आप स्पिन गेंदबाजी का आगमन, केशव महाराज आए हैं, क्या करेंगे केशव महाराज या फिर चलेगा बल्ला। सामने है साई सुदर्शन जिन्होंने पिछले ओवर पे बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, और ये शॉट देखिए अब तक का बहुत ही बड़ा छक्का, जी हाँ, ये गई है मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही लंबी, और साई सुदर्शन क्या कमाल कर रहे हैं बेहतरीन अंदाज में अपना फुटवर्क बेहतरीन तरीके से। बॉल इतनी ऊंची गई थी मानो तारे पे जाके टकराएगी, जी हाँ, लगातार कमाल की बल्लेबाजी साई सुदर्शन। कप्तान आए जरूर है केशव महाराज के पास कुछ समझाने के लिए, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। और ये देखिए, ये तो अब तक का बेस्ट शॉट, इससे पहले जो छक्का लगाया था बहुत ऊंचा था, बहुत लंबा था, लेकिन इस शॉट में कला है, ये शॉट कुछ खास है, बेहतरीन बल्लेबाजी लगातार देखने को मिलती हुई। ओ माय गुडनेस, गजब की बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन के द्वारा, लगातार अपने दम पे इस मुकाबले को चेस करने का प्रयास। 8 बालों पे 35 रन भारतीय टीम को, अभी भी जीत के लिए 16 बालों पे चाहिए 59 रन, क्या बना पाएगी, 2 बॉल पे 2 छक्के, कैन ही गोज फॉर थर्ड वन, लेट्स सी। केशव महाराज केम इन टू द वॉल दिस टाइम, हिट्स एंड मिस टाइम, बट ही गेट द फोमो, जी हाँ, इस बार मिस टाइम हुआ और 4 रन बटोरेंगे। प्रयास पूरा, अपने आप को झोंक के रखा है, इसका नाम है साई सुदर्शन, और जो अंधेरे में भी उजाला ढूंढ के लाए, नाम है उसका साई सुदर्शन। और ये केशव महाराज थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, 2 बॉलों पे 2 छक्के, उसके बाद चौका, और अब देखना होगा चौथी बॉल पे क्या करते हैं। अभी भी भारतीय टीम को इस ओवर पे 1-2 छक्के और लगने चाहिए। और जी हाँ, कितना अच्छा साउंड आया है जैसे ही बॉल बल्ले पे लगी है, और दौड़ने की जरूरत नहीं है मिस्टर साई सुदर्शन, ये तो 6 रन है, जी हाँ, एक और छक्का, कमाल, ताबड़तोड़ लाजवाब बल्लेबाजी भारतीय टीम के बल्लेबाज आज अपना दिन दिखाते हुए, और बहुत बेहतरीन पारी खेली है। ये देखिए बॉल, दर्शक दीर्घा में खुशी की लहर, साई सुदर्शन 10 बॉल पे 45 रन, 50 रन के काफी करीब है, और बनाने होंगे 50 रन इनको, जी हाँ, बनाने होंगे। ये देखिए पैरों पर बॉल थी, उठाकर खेला डीप थर्ड मैन के ऊपर से, एक और छक्का, साई सुदर्शन इसी के साथ अपने 50 रन पूरे करेंगे बेबाक अंदाज में। ये लीजिए इनका अग्रेशन, और ये बल्लेबाज ने आज कमाल किया है, सैल्यूट है ऐसे बल्लेबाज को जो अकेले दम पे मैच का रुख बदल दे। अभी भी 13 बॉलों पे चाहिए 43 रन, अगर इस मुकाबले को जीतना है साई सुदर्शन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, और साई सुदर्शन जिस तरीके से ये खेल रहा है बल्लेबाज, और एक और अच्छा शॉट है, ये भी 6 रन के लिए है, इस ओवर पे लगाए हैं 5 छक्के साई सुदर्शन, क्या बात है, फुल टॉस डिलीवरी, अंतिम डिलीवरी केशव महाराज के पर छक्के उड़ाते हुए साई सुदर्शन, और भारतीय टीम मजबूती के साथ इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई। और ये देखिए किस तरीके से छक्के लगाए हैं इस बल्लेबाज ने। दोस्तों लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साई सुदर्शन की बल्लेबाजी को देखते हुए लाइक कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। 12 बालों पे चाहिए 37 रन, सामने श्रेयस अय्यर, गेंदबाजी के लिए आए हैं मडलर, और मडलर अच्छे गेंदबाज हैं, और आते ही इनका स्वागत हुआ है छक्के के साथ, और इस बल्लेबाज का नाम है
एक्स रे सही यार, ओ माय गुडनेस, बहुत ही अच्छा शॉट है ये, बहुत कमाल की शुरुआत है भारतीय टीम की। मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ती हुई विशाल स्कोर को चेस करती हुई, ओहो भारतीय टीम, भारतीय दर्शक, 11 बॉल 31 रन। साउथ अफ्रीका को अगर वापसी करनी है विकेट लेना पड़ेगा, लेकिन यहां पे दी है फुल टॉस और फुल टॉस को पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर और बॉल गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का। जी हां, यहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों छोरों से देखने को मिलती हुई। अभी अभी आए हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन जिस अंदाज में ये बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है मानो बेबाक अंदाज। 10 पे चाहिए 25। ओ ये शॉट कितना खूबसूरत है, इस शॉट को आप जितनी बार भी रिप्ले में देखेंगे आप यही बोलेंगे वाह श्रेयस अय्यर वाह, बेहतरीन फुटबॉल, कमाल का ये शॉट। ये देखिए एक बार फिर हम रिप्ले में जरूर देखेंगे, शॉट की झलकियां आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये बल्लेबाज कुछ अलग अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करता हुआ। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत शॉट था, ये 4 रन मिले। श्रेयस अय्यर 6 बॉलों पे 27 रन, क्या बात है, 9 पे चाहिए 21। ओ इस बार मौका है दस्तूर है रन आउट करना होगा, डाइव तो लगाई है लेकिन गलती सॉरी माफ करिएगा यहाँ पे देरी कर दी डायरेक्ट हिट के लिए और रन पूरा करेंगे। 8 पे चाहिए 20 रन और अब आ गए हैं साई सुदर्शन, ये अच्छा कट शॉट है लेकिन कहीं ना कहीं वापसी कर रही है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम। अगर ये बॉल भी डॉट आती है या फिर कम रन आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। 7 बॉलों पे चाहिए 19 रन, ये बड़ा शॉट है, टाइमिंग अच्छी है नहीं, नीचे फील्डर मौका बन सकता है लेकिन नहीं, कैसी फील्डिंग लगा के रखी है वो अच्छी तरीके से जानता है बल्लेबाज, नाम है इसका श्रेयस अय्यर। 6 बॉलों पे चाहिए 15 रन, अंतिम बॉल पे आया चौका और ओवर लेके आए हैं फुलक बायो। ये लीजिए साई सुदर्शन, शुरुआत कर दी है इन्होंने, बड़ा शॉट, बेबाक शॉट और कमाल की बल्लेबाजी, छक्के के साथ शुरुआत। अब चाहिए भारतीय टीम को 5 बॉलों में 9 रन, लगातार कमाल कमाल करती हुई भारतीय टीम जिस तरीके से खेलती हुई काबिले तारीफ। 5 बॉलों पे चाहिए 9 रन, ये अच्छी बॉल है, ये अच्छी बॉल है, ये कमाल की बॉल है, ये रन आउट हो सकते थे, बाल बाल बचे। जी हाँ, 4 बॉलों पे चाहिए 8 रन भारतीय टीम को, क्या बना पाएगी दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबा, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय टीम कमाल की बल्लेबाजी और ये शॉट देख लीजिए, श्रेयस अय्यर मार के रुक गए हैं नीचे, फील्डर जा तो रहे हैं, फील्डर बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर, कमाल का ये शॉट श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में आग उगलते हुए। दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेहतरीन बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी। जी हां, कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के द्वारा, ये कट शॉट है और यहां पे एक बार फिर से मौका था। अब चाहिए भारतीय टीम को 2 बॉलों पे मात्र 1 रन, यहां से भारतीय टीम अब मुकाबला हारेगी नहीं क्योंकि भारतीय टीम ने स्कोर को कर लिया है लेबल और भारतीय टीम अब देखना होगा अंतिम 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए, बड़े आसानी से बनाने होंगे या कुछ नया खेल या फिर कुछ होगा ये देखना होगा। ये बहुत अच्छी डिलीवरी है, बिल्कुल जांचा परखा और अच्छी तरीके से गेंद की है यहाँ पे, अब चाहिए 1 बॉल पे 1 रन। दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बड़ा शॉट है, ये पावरफुल शॉट है, ये बॉल छक्के के लिए जाएगी और इसी के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती हुई बेबाक अंदाज में और यहाँ पे कमाल किया है साई सुदर्शन ने और आज के मैन ऑफ द मैच रहेंगे साई सुदर्शन। दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।